हाय हेलो नमस्ते नमस्कार श्री श्रीकाल आदाब वड़कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने फेक आईलैशेस को बहुत ही इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फेक आईलैशेस लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप विद ईजी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेक आईलैशेस अप्लाई कर सकते हैं। So yeah guys, without wasting any time, let's get started. So guys, ये है पैक के eyelashes. अब मैं आपको इस तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ because मैंने इसे 3 to 4 times already use कर रखा है। तो जब आप new purchase करते हैं तो पैक में कुछ इस तरीके से आएगा और नंबर मैं mention कर दूंगी कौन सा ये वाला है। और जब आप न्यू ओपन करते हैं eyelashes, तो ये जो lashes होता है वो आपके आई से बिग होता है। तो आपको करना क्या है? सो लैशेस को आपको इस तरीके से आईज पे रखना है। मैंने ऑलरेडी कट करके रखा था, एज यू कैन सी कि ये मेरे एकदम प्रॉपर आईज के साइज का है। तो अगर आपके आईज के साइज का नहीं होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बाहर के साइड से कट करना है, और हमेशा थोड़ा सा कट करें, सीधे यू नो मेजर करके ज्यादा ना कट कर दें। तो आपको ये बाहर वाला जो साइड आप देख रहे हैं, ये बाहर वाले साइड पे आपको कट करना है। बिकॉज कैसे, आगे वाला अगर आप कट करेंगे, आगे वाले जो लैशेज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जो कि आगे अच्छे दिखेंगे। और अगर आप आगे वाला कट कर देंगे तो ये बिग वाले लैशेज आपको आगे मिलेंगे, जो कि अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह से आपको करना क्या, आपको सिर्फ बाहर वाले लैशेस को हल्का सा कट करना है, और उसके बाद आप फिर से एक बार ऐसे लगा के देख लें कि क्या वो आपके आई से परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद सबसे पहले आपको मस्करा लगाना है। अब बहुत लोग पहले आई लैशेज अप्लाई कर लेते उसके बाद मस्करा अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फॉल लैशेज लगाने के बाद मस्करा अप्लाई कर रहे हो तो आपको दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एक, अगर आपने फॉल लैशेज अप्लाई कर लिए और उसके बाद आप अपना मस्करा अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है, आपका जो रियल लैशेज है वो फॉल वाले आई लैशेज से स्टिक हो जाता है। और जब आप रिमूव करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो रियल आई लैशेज है वो उसके साथ कभी ना कभी यू नो रिमूव हो जाते हैं, तो जो आपके रियल आई लैशेज है वो भी निकल जाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप फॉल आई लैशेज के साथ ही अप्लाई कर रहे हो मस्कारा, तो क्या होता है कि आपके जो फेक आई लैशेज है उस पर भी आपका मस्करा लगता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो फेक आई लैशेज है उसकी लाइफ लाइन कम हो जाती है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा बार रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो फॉल आई लैशेज यू नो बहुत एक्सपेंसिव में भी आते हैं, एक मीडियम साइज में भी आते हैं, और एक 30-40 rupees में भी आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 30-40 rupees वाला तो बिल्कुल ना लें। मैं जो यूज कर रही हूँ वो है पैक का, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ज्यादा चीप भी नहीं है, और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। 200-250-300 के अराउंड आ जाएगा, जिस भी तरीके का आप लेना चाहते हैं लेंथ उसका। तो अगर आप 250 या 200 तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लैशेज में, तो आप चाहेंगे कि आप उसे कम से कम 3 से 4 बार रीयूज कर सके। इनफैक्ट मैं फ्रेंकली स्पीकिंग 5 to 6 times यूज कर लेती हूँ। बस आपको थोड़े अच्छे तरीके से केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर ले रही हूँ सबसे पहले मस्कारा, जिससे कि एक अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाए पहले मेरे नेचुरल आईलैशेस को। और मैं कर्ल नहीं करती, जो कर्लर आता है बहुत लोग यूज करते हैं, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लाइक आई एम स्कैर्ड विद दैट। मुझे वो टूल ही बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कभी भी यूज नहीं किया वो। ल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्करा, जो कि मुझे फिलहाल इस टाइम पे काफी पसंद आ रहा है, मैं इसे ही यूज कर रही हूँ। अब आपको आपके फेक आईलैशेस को लेना है और ग्लू, यहाँ पे मैं मिस क्लेयर का ब्लैक कलर का ग्लू यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट वाला भी यूज कर सकते हैं, इफ यू आर बिगनर तो ट्रांसपेरेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और वो आप दिखाई नहीं देता। बट यहाँ पे मैं ब्लैक वन यूज कर रही हूँ, और इसके ग्लू भी बहुत सारे अलग अलग रेंज और प्राइसेस में आते हैं, तो जिसमें भी आपको परफेक्ट लगे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये जो दो यूज करती हूँ काफी अफोर्डेबल है, लाइक ये 200-250 मैंने बताया, और ये वाला भी आई थिंक 200 rupees का ये भी आ जाता है, और ये काफी दिन अच्छा सा ग्लू चलता है। तो आपको ग्लू को कैसे करना है कि आपको थोड़ा सा इधर पॉपअप करना है। ये देखिए यहाँ पे निकल आया मेरा ग्लू बाहर, एज यू कैन सी ये मेरा ग्लू बाहर आ गया। अब मैं लैशेस के ऊपर, अब यहाँ पे आपको बहुत ही थिन सा लगाना है, और ध्यान रखें कि लैशेस को सामने रख के आपको ग्लू नहीं निकालना है, नहीं तो वो पूरा लैशेस के ऊपर गिर जाएगा।
आपको पहले इस तरीके से पॉप करना और इसे बाहर निकाल लेना, उसके बाद आप इस पे लगाना। और ध्यान रखिए कि आपको लैश के ये वाले लाइन पे ही अप्लाई करना है, आपको इस पे लैशेस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि लैशेस पे अगर अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके जो नेचुरल आई लैशेज है वो भी स्टिक होने के चांसेस होंगे। इस तरीके से ऐसे कर ले तो एक राउंड शेप मिल जाता है इसे। और साथ ही ध्यान रखें कि आपको आई लैशेज एकदम तुरंत ही नहीं लगाना है, मीन्स लाइक वो वेट है उसके बाद आपने लगा लिया। और साथ ही आपको प्लकर का यूज करना है, तो ये टूल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एकदम बीच में अप्लाई करूंगी इस तरीके से, और तुरंत आपको गीला है तुरंत नहीं लगाना है, 30 सेकेंड्स के बाद आपको प्लेस करना है आपके फेक आई लैशेज ऑन योर नेचुरल आई लैशेज। और हाँ, ये है कि आई लैशेज अप्लाई करना इट्स लाइक आप एक बार में नहीं सीख जाएंगे, ये प्रैक्टिस है। आप जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको अच्छे तरीके से आते जाएगा। इवन मैं भी जब स्टार्टिंग में अप्लाई करना स्टार्ट की थी आई लैशेज, मुझे समझ में नहीं आता था कि ओ माय गॉड लैशेज लगाऊं कैसे। ध्यान रखिए कि आपको आई लैशेज ना एकदम ऐसे बीच में से अप्लाई करना है, लाइक आपको ये जो आपके आई का कॉर्नर है वहां से कभी नहीं लगाना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। एंड आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। और 30-40 रुपीस का जो आता है वो ना लगाए, मतलब बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। सो उसके बजाय आप ये वाला ले सकते हैं। अब मैं दूसरे में भी अप्लाई कर लेती हूँ। सो परफेक्ट आई लैशेज लगाने का एक ही मंत्र है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट आप आई लैशेज अप्लाई कर सकते हैं। और फेक आई लैशेज को रिमूव करना भी काफी ईजी, आपको बस लास्ट से पकड़ के इस तरीके से रिमूव कर देना है। नहीं तो उससे भी बेटर आइडिया ये है कि मेकअप रिमूवर से आप हल्का सा ऐसे ऐसे रब करेंगे वहां पे तो वो इजिली निकल जाएगा, या आप चाहें तो ऑयल से भी रिमूव कर सकते हैं। ऑयल लेके हल्का हल्का आप इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे अपने लैशेस के पास और वो आराम से रिमूव हो जाएगा। ग्लू का और लैशेस का इफ यू आर इंटरेस्टेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो छोटी सी घंटी दिखी उसे भी जरूर बजा दें। एंड या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड बी स्टाइलिश।